चलिए गाइस अब चलते हैं हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए जयपुर की मार्केट एरिया। यहाँ की राजस्थानी जो जुतियाँ फेमस है, देखो कितने लंबे स्टाइल के अंदर जुती है भाई। तो अब मैं एक शोरूम पे आया, यहाँ पे मैंने जस्ट चलते चलते देखा तो ये हमारे यहाँ की प्यारी और हमारी खुद की लोकल होती है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कितना ही प्यारा और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। कहते हैं पहले जमाने में खिड़कियाँ खुलती थी। और अगर गाइस आप लोग लेदर के बैग्स के भी शौकीन होना, क्या क्रेजी क्रेजी तरीके के कलर्स के आपको अगर बैग्स लेने हैं बिल्कुल लेदर के, पहुँच गए हैं अपना लक्ष्मी नमकीन भंडार पे। टेस्ट करिए, ये टेस्ट 65 इयर्स ओल्ड है। तो आपका जो अंदाजा हो कि आपकी एक दिन में कितनी कचौरियाँ चली जाती होंगी। सर कचौरी करने का 2500। मेरे को यहाँ पे ना इतर दिख गए क्योंकि मेरे को बहुत शौक है इतरों का। तो भैया आपने कुछ इतर ना मुझे स्मेल करवा रहे हैं। तो भाई ये इंडियन कुल्फी फलूदा के नाम से है, अंकल का भी यहाँ पे आया जस्ट में। क्या अंकल जी 50 पैसे का सेल कर रहे हैं। 50 पैसे की 1960 के करीब की बात करा रहे हो आप। कैफे रूफटॉप बिल्कुल, ये कौन सा गेट है यार, इसको क्या कहते हैं? पत्रिका गेट। पत्रिका गेट के बिल्कुल सामने। चलिए गाइस अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं अपने अभी विला से निकल चुका हूँ जयपुर से, तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जयपुर की मार्केट एरिया। क्योंकि यार मैं बहुत बार बचपन से गया हूँ बट मैंने ऐसे आप लोगों को व्लॉग्स के अंदर नहीं दिखाया। अगर आप लोगों को राजस्थानी चीजों का शौक है और थोड़ी एंटिक चीजों का शौक है तो ये सब चीजें आपको बहुत क्रेजी दिखने वाली है इस व्लॉग के अंदर। और हाँ, जयपुर के अंदर ना लाइटिंग होती है रात को, तो वो आपको बहुत क्रेजी दिखेगी क्योंकि पिंक सिटी आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अच्छे से। और अभी मुझे आगे ही थोड़ी देर में प्रशांत मिलने वाला है जो मेरा नेबर है, मेरे विला के पास रहता है। उसको पहले पिक करते हैं। चलो प्रशांत को भी भाई पिक कर लिया मैंने। जयपुर में तो पेट्रोल ही 108। अच्छा भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, ये तो काफी सही रेट है भाई। दिल्ली में मेरे हिसाब से 96-97 चल रहा है। राजस्थान में काफी महंगा पेट्रोल है। और गाइस यार यहाँ पे ये अपना पुल बन रखा है, नया पुल बनने वाला है यार अपना। यहाँ B2 बाईपास से लेकर अगर आपको चौकीधानी आना है, प्रताप नगर इस तरफ का अगर आना है ना, ये सामने ही आपका जयपुर सेंटर है यहाँ पे। तो ये B2 बाईपास है भाई, क्या कंस्ट्रक्शन, क्या तरक्की चल रही है जयपुर के अंदर। गाइस अब एक क्रेजी चीज दिखाने वाला है यार जयपुर की आप लोगों को, क्योंकि ये ना बहुत प्यारी दिखता है यार, जिसका आर्किटेक्चर है ना भाई क्या प्यारा बना रखा है। ये है WTP जयपुर, ये पड़ता है गाइस आपका मालवी नगर। अगर शॉपिंग करनी हो ना तो ये जयपुर के अंदर सबसे क्रेजी मॉल है यार। तो इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। और क्या प्यारा लगता है यार ये देखने के अंदर। ये आज आप शिव जी का टेम्पल और उसी के नीचे जो व्हाइट में आप देख रहे हैं ये है बिरला टेम्पल। जब शिवरात्रि आती है ये मंदिर सिर्फ शायद तभी तभी खुलता है और बहुत लंबी लंबी दूर दूर से लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं इसकी। लोग पूरे साल बंद रहता है और सिर्फ शिवरात्रि में खुलता है भाई, और दूर 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 से दर्शन करने आते हैं, लंबी लंबी लाइन लगती है। मैं तो सोच रहा हूँ कभी अगर ऐसा भी होना तो यहाँ पे भी आपको एक बार दर्शन जरूर करूँ। ये आ चुका है यहाँ पे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और भाई इसकी जो वाइब है ना, रात को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, इस पे बहुत क्रेजी लाइटिंग होती है, बहुत लोग फोटोज खिंचवाते हैं। और यहीं से बिल्कुल सामने ही रास्ता निकलता है बिल्कुल ही जोरी बाजार, बापू बाजार, लिंक रोड का। चलो गाइस अब हमने ना अपनी कार पार्क कर दिया जैम सिनेमा के ऊपर ही। यहाँ पे भाई मेरे को मिल गई पार्किंग, क्योंकि पार्किंग मार्केट के पास करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पार्क करके अब चलते हैं अपना सीधा मार्केट की तरफ, क्योंकि यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे आगे जाके बापू बाजार। मार्केट के अंदर घुसते ही ना देखो अंदर खाने पीने की कितनी सारी आप लोगों को ना स्टॉल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, शॉपिंग के हर तरीके की चीज़ें, मेहंदी मतलब लड़कियों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, जो गर्ल्स के लिए ना सीन वो तो यहाँ पे बहुत ही क्रेजी सीन है यार। और ये यहाँ पे जिस साइड से मैं घुसा हूँ ना, इस रोड का नाम है लिंक रोड, तो मैं लिंक रोड की तरफ से एंटर हुआ। फीमेल होना भाई, फीमेल्स के लिए तो बहुत सारा क्रेजी सीन मिल जाएगा। और यहाँ की राजस्थानी जो जुतियाँ फेमस है, देखो कितने लंबे स्टाइल के अंदर जुती है। तो भाई ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको एक्सप्लोर करना ही ना मार्केट, तो लिंक रोड की तरफ तो जरूर आओ। एक चीज़ ना मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसी कितनी दुकानें होंगी यार यहाँ पे। ये देखो 49 और इस तरफ 149। तो अभी इतने नंबर्स तक की तो मैंने शॉप्स देख लिया, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। बट जो एक्सप्लोर करने की राजस्थानी आर्ट की जो आपको साड़ियाँ और ये सब चीज़ें हैं ना, ये एकदम अलग ही चीज़ें मिलने वाली। यहाँ के जो बैग्स होते हैं आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई जुतियों का, एक तो ना हर जगह आपको ट्रेंड यहाँ का जो होगा ना, जो जुतियाँ आपको जो राजस्थान में मिल जाएंगी वो तो कहीं भी नहीं मिल पाएंगी मेरे हिसाब से। और ये रहा गाइस अभी मैं इस मार्केट के ना बिल्कुल यहाँ से एंड तक आया, और इस सामने आपका संजय बाजार आ जाता है, और ये अजमेरी गेट है देखो ये यहाँ का। और ये आई गेस जितना मुझे याद है और जितना मैंने देखा है, ये वही मंदिर है जहाँ पे बहुत टाइम पहले ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, तो हनुमान जी के दर्शन करते हुए अपना यहाँ से निकलते हैं जय बजरंगबली, पूरी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए राजस्थान जयपुर।
तो गाइस जो हम लोग बात करते रहते हैं ना पिंक सिटी तो यही है वो मार्केट सारी जिसको पिंक सिटी कहते हैं। मतलब पूरी जगह सिर्फ आपको हर जगह किसी भी बाजार के अंदर किसी भी तरफ चले जाओ, संजय बाजार की तरफ चले जाओ, अभी हम जौहरी बाजार की तरफ है और हर जगह यहाँ पे आप देख रहे हो ये मार्केट लगी हुई है। हर मार्केट का एक नंबर है, 347 मैंने लास्ट में दिखाया था 40 समथिंग, और इस तरफ और ये हर मार्केट के अलग अलग नंबर हैं, सबके अलग अलग दुकानों के नाम, सबके अलग अलग नंबर सबके लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई भी शॉप यहाँ पे अच्छी लग रही हो आप उसको विजिट कर सकते हैं देख के पढ़ के कि आपको कौन से नंबर में जाना है और किस तरफ आना है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे जयपुर में। तो अंदर की तरफ दिखाता हूँ, जैसे अभी तो मैं मेन रोड की तरफ चल रहा था और अंदर की तरफ तो भाई पूरा ये देखो लेडीज़ के लिए क्या हिसाब से क्रेजी आपको मार्केट दिखेंगे एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या सूट, कितने प्यारे ज्वेलर्स, आपको चांदी के वर्क के यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ये पहुँच गया मैं MK मावा वाला, भाई यहाँ मावा मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा फेमस है यहाँ का। ये देखो गाइस अब यहाँ का आप साड़ियों पे ना ये वर्क्स देखते रहो कितना प्यारा कर रखा है यहाँ पे। हाय ब्रो, तो भाई ये चीज़ तो है, आओ यार एक्सप्लोर करो मार्केट के शौकीनों, भाई जिसको शॉपिंग करने का बहुत शौक है ना, और खासकर अपनी बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, मम्मी पापा चाची किसी के लिए भी ले सकते हो यार, क्योंकि हर तरीके के आपको यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी। जिस तरीके का एथनिक वेयर आपको पहनना है ना, सूट्स के अंदर, साड़ीज के अंदर, लहंगा के अंदर, वो सब आपको यहाँ पे दिखा। भाई तो मैं एक शोरूम पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट चलते चलते देखा, तो भाई क्या नाम है आपकी शॉप का? राजस्थानी मोजड़ी। तो भाई इनके पास आप आओगे ना तो स्टोर पे आपका क्या नंबर है अभी आपके शॉप का? नंबर 159 मोजड़ी हाउस। अच्छा मोजड़ी हाउस, तो भाई आप बताओ यार कुछ अपने बारे में कि आप क्या किस टाइम से इस बिजनेस के अंदर हो, मतलब ये आपका स्पेशलिटी यही है आपका जूती होगा? अच्छा मुझे अच्छा तो यहाँ से आप बाहर भी बेचते हैं लोगों को मंगानी हो तो हैदराबाद वगैरह बॉम्बे लगवाते हैं आप, और किसी को ऑनलाइन मंगवानी हो आपसे? सही, तो कुछ अपनी सबसे प्यारी चीज दिखाओ जो आपको लग रहा है कि हाँ लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती होगी, मेल को या फीमेल को, जो आपको लग रहा है। अच्छा आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और ये बनती कैसे है भाई जी, और ये क्या होता है? अच्छा अच्छा, इसके ऊपर जो शेड वगैरह पहनते ना, हाँ जी प्रिंट बोलते हैं। अच्छा तो ये उसी प्रिंट की होती है, और इसकी क्या कॉस्टिंग रहती होगी जो लोग? 250-300 मतलब हर जुत्ती का जितना प्रिंट होगा उसका अलग प्राइस होगा उसके हिसाब से। और साइजेस क्या मिल जाएंगे आप पे? साइज भैया 37-42 तक साइज होता है सबके लिए, मतलब मेल फीमेल सबके लिए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक आपके पास सब मिल जाएगा। भाई तो काफी अच्छा लग रहा है यार इनके पास आके, और इनकी दुकान में ना काफी अच्छी वैरायटीज दिख जाएंगी आपको, तो इनके पास जरूर आए। तो भैया बताएंगे किस तरफ पड़ती है भैया ये? भैया जोरी बाजार में पड़ती है, 159 नंबर दुकान नंबर है। और किस नाम से भाई जी? साई कृपा। चलिए भाई, अगर भाई के पास बैंगल्स की भी यार तो सब कुछ है यहाँ पे यार। चलिए नाइस यार, तो भैया काफी मिलके आपसे ना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपने बताया। तो यार भाई के पास जरूर आए अगर जौहरी बाजार की तरफ आप लोग आ रहे हो तो। और गाइस अब पहुंच चुका हूं मैं बिल्कुल ना सेंटर एरिया की तरफ, तो ये देखो आपको एक पूरी मार्केट है, आप चारों तरफ यहां से कहीं से भी कोई भी मार्केट की तरफ आप लोग जा सकते हो। और यहां से सीधा ही मैं अगर जाऊंगा ना तो यहां से सीधा ही आ जाएगा हवा महल, तो हवा महल भी एक्सप्लोर करने चलते हैं पहले। बट यहां पे आपको खाने का लोकल स्टाइल के अंदर जितनी चीज़ें होंगी ना राजस्थान की सब मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और ऊपर जैसे आप देख रहे हो शॉप्स बनी हुई, मतलब हर जगह यार स्टोर है यहाँ पे। अब जैसे वो आप सामने देख रहे हो तो वहाँ पे वो राजस्थानी पगड़ी के स्टाइल की जितनी भी कलर्स होंगे सब तरीके की वो आपको पहनाएंगे, या आप फोटोज भी खिंचवा सकते हो इनके साथ। और चलते हैं अब आगे अपना हवा महल देखने के लिए, फिर आपको बताता हूँ। जब तक आप इन जगह का पूरा व्यू का मजा लेते रहिए कि थोड़ा वाइब आप लोगों को भी आए राजस्थान की। हर जगहों से पकौड़ों की कचौरी की खुशबू आ रही है, और ये देखो मार्केट के अंदर कितने प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े लगा रखे हैं यार, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। और ये आ चुका है, अब मैं आपको उस तरफ से ज्यादा दिखाता हूँ कि मैं आ चुका हूँ अब हवा महल। और क्या भाई, मतलब ये क्या, मतलब आर्किटेक्चर क्या सोच के जिसने भी बनवाया, राजा ने क्या बनवाया है यार ये हवा महल। ये देखो कितना ही प्यारा और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। कहते हैं पहले जमाने में खिड़कियां खुलती थी और शायद रानियां यहाँ से ना देखा करती थी बाहर, तब तो ये क्राउड होगा नहीं, बट वो भी एकदम वाइब अलग ही होगी। तो चलते हैं, इसके ऊपर एक कैफे भी है, मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ जाके आपको ना व्यू दिखाऊं। बट हाँ, और वो रहा वो कैफे, वो देखो वहाँ पे ऊपर उसके सामने बहुत अच्छी फोटोज आती है यहाँ पे। चलिए गाइस अब हवा महल से भी अपना आगे की तरफ चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया, मैंने सोचा कैफे जाके तो मैं क्या खाऊंगा, यहाँ का लोकल फूड अगर मुझे कुछ मिलता तो मैं वो खाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही है हवा महल, अब आगे इस तरफ की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कोई एक लस्सी वाला है बहुत फेमस, तो वहाँ देखते हैं यार, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे कहीं और अच्छा। और यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है रात को, जो लाइटिंग होती है, तो आप इसके ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं उस तरफ। भाई स्टिकर्स कितने प्यारे लग रहे हैं यार, मेरा तो लेने का मन कर गया। भैया आपकी शॉप है भाई, ये लेके चलते हैं ना, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे
राजस्थान के भाई क्या प्राइस है? 100 का कोई सा भी है। ये कोई सा भी ले लेंगे तो 100 का है। और ये जो ये लिखे हुए हैं सब सब 100 के भैया, कोई सा भी, कोई सा भी पूरे बोर्ड में। थोड़ा सस्ता लगाओ यार तुम, यार इतना महंगा थोड़ी ना लगता है टूरिस्ट को। अच्छे से भाई एक लेदर की भी दुकान है, अभी चलते हैं अभी रुको। और अगर गाइस आप लोग लेदर के बैग्स के भी शौकीन हो ना तो ये देखो आप कितनी वैरायटी मिल जाएगी आपको लेदर के बैग्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप आना चाहो ना लेदर के बैग्स के अगर शौकीन हो तो यहाँ ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ बहुत तरीके के और बहुत डिज़ाइन के बहुत कलर्स के आपको बैग्स दिखेंगे भाई। बिल्कुल लेना चाहो, अगर अंकल के पास से जूतियाँ लेना चाहो। क्या आपकी दुकान का नंबर क्या है अंकल? 41A। ये क्या है? हवा महल बाजार। तो अंकल के पास भी आओ यार अगर आपको जूतियों का शौक है लेने का। थैंक यू अंकल। तो पूरी जूतियों की और लेदर की मार्केट है ये देखो आप, पूरी पूरे क्या क्रेजी क्रेजी तरीके के कलर्स के आपको अगर बैग्स लेने हैं बिल्कुल लेदर के ओरिजिनल। और यहाँ कहा जाता है कि बिल्कुल ही ओरिजिनल लेदर होता है, बट देख के लें आप फिर भी कि ओरिजिनल है या नहीं है। बट हाँ जो इनकी वाइब है ना वो बहुत क्रेजी वाले है भाई। लक्ष्मी नमकीन भंडार भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। राजस्थान के लोग कितनी फेमस कचौरी है आगे, और कितने लोग खाते हैं भाई यहाँ की कचौरी। कचौरी खा के देखेंगे भाई। अब हम आ चुके हैं यार लक्ष्मी नमकीन भंडार के ऊपर। लक्ष्मी नमकीन भंडार में अब क्या खाए भाई, इतनी सारी वैरायटी यहाँ पे, पकोड़े, मिक्स पकोड़े, कचौरी, समोसा, बट बहुत लोग ना यहाँ पे कचौरी खा रहे हैं। तो इनकी कचौरी खा के देखते हैं भाई यार कि कचौरी कैसी होती है। भैया क्या आपके बढ़िया क्या है, कचौरी बढ़िया है समोसे बढ़िया है? दोनों बढ़िया। तो खिला दो यार कोई भी। दाल की कचौरी आपकी? आलू प्याज की तो नहीं यार, तूंग दाल में बताओ कौन सी बनाओ। दूंग दाल की खिला दो। तो भाई मूंग दाल की कचौरी खाते हैं भाई। हम पहुंच गए हैं अपना लक्ष्मी नमकीन भंडार पे। तो और ये रही भैया की कचौरी। लक्ष्मी थी, अच्छा लक्ष्मी करनी पड़ी हमें। अच्छा क्योंकि हमारी क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी मैटर्स करती है। तो भैया किस किस तरीके की कचौरी बनाते हैं आप? दो टाइप की कचौरी बनती है यहाँ। हाँ जी, दाल कचौरी। अच्छा आलू प्याज कचौरी। अच्छा आलू प्याज। और सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ पे? आलू प्याज ज्यादा खाते हैं भाई। मिर्ची वड़ा, मिर्ची के टपोरे जिसे कहते हैं शायद, हाँ वो बड़े फेमस है यार। तो अभी इनका ये टेस्ट करते हैं। आप टेस्ट करिए, सब चीज एक्यूरेट है। हाँ जी, ये टेस्ट 65 इयर्स ओल्ड है। अच्छा 65 इयर्स ओल्ड टेस्ट है। वर्किंग कर रही है 5th generation। अच्छा आप 5th generation है यहाँ की। तो भाई यार अब भाई की ना कचौरी, इनकी कचौरी का टेस्ट लेते हैं क्योंकि 65 साल पुराना टेस्ट है इनका। ये खाते हैं फिर यहाँ से भैया के पास से निकलते हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए। भाई आप खुद बताएंगे मुझे टेस्ट कैसा है। और अगर आप यहाँ पे आए तो भैया के पास यार जरूर आए। मैं इनका एड्रेस और इनका नंबर है, हवा महल रोड चांदी की टक्सा, और सबसे पुराना टॉकीज है राम प्रकाश टॉकीज, खटमल टॉकीज। अच्छा ये जयपुर का सबसे पुराना टॉकीज है राम प्रकाश, शिमला होटल के फ्रंट पे। बिल्कुल शिमला होटल सामने है, शिमला होटल के बिल्कुल सामने भैया मिलेंगे और टेस्ट करते हैं। लास्ट वाली शॉप है, लास्ट वाली शॉप, बड़ी शॉप, बड़ी शॉप। चलिए जैसे कि मैं खा ही रहा हूँ ना, तो ये भाई ने बताया कि यहाँ की चटनी बहुत फेमस है। भाई कब से आ रहे हो तुम यहाँ पे? 3 साल हो गए। मतलब तुम्हें काफी अच्छा टेस्ट लगाया होगा। पर अंकल बता रहे मुझे 30 साल हो गए मेरे को यहाँ। अच्छा आपको 30 साल हो गए, टेस्ट नहीं आप जा पाया यहाँ का, मतलब काफी अच्छा लगा आपको यहाँ का टेस्ट। भाई 30 साल से जब लोग आ रहे हैं तो एक बार आने में आपका क्या जा रहा है टेस्ट करने में? भाई कचौरी तो खा ली, अब आगे चलते हैं देखने के लिए भैया के पास और क्या क्या भैया बना रहे हैं। ये क्या भैया? हमारे यहाँ की स्पेशल पकौड़ी है। अच्छा ये पकौड़ी और मिर्च की, पालक और मिर्च की पकौड़ी बन रही है? ये बेसन की पकौड़ी है। अच्छा पालक और मिर्च की पकौड़ी होती है। भैया क्या 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 बना रहे हैं? पकौड़ी मिर्च की, पालक कचौरी। और अलग आइटम सारे पकोड़े और जलेबी और ये सब चीजें अलग है, तो अंदाजा नहीं लगा सकते भाई। यार जब एक दिन में इतना क्राउड आ रहा है तो एक बार आप लोगों को भी आना चाहिए। शायद आवाज नहीं आ पा रही होगी मे बी, क्योंकि लोगों का पेट भी तो भरना है ना यहाँ पे इतने सारे। तो चलते यार भैया से मिलके काफी अच्छा लगा, तो भैया के पास जरूर आए। थैंक यू भैया, मिलते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कचौरी वाले भैया को जस्ट खाया तो मेरे को यहाँ पे ना इतर दिख गए, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है इतरों का। तो भैया आपने कुछ इतर ना मुझे स्मेल करवा रहे हैं इनके, जो जितने भी फ्लेवर आप खुद ही बनाते हैं भैया? क्या बात है भैया, ये है सुल्तान। भाई स्मेल्स तो काफी अच्छी है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है कितने टाइम तक? कितने टाइम तक? पूरे दिन रहेगी है। तो आपका जो सबसे प्यारा हो ना उसका मुझे चाहे 5 ml या 10 ml दो कि मैं समझ पाऊंगी। हाँ भाई सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा आपका है सुल्तान। अच्छा और इसकी क्या प्राइसिंग होती है भैया? 600 रुपए का 10 ग्राम। 600 रुपए का 10 ग्राम। इसमें आपको चॉकलेट मिल जाएगा मेरे को, ओके रातरानी मिल जाएगा, ठीक है बेला मिल जाएगा। मतलब आपके हिसाब से इसके लिए लॉन्ग लास्टिंग स्मेल होगी, पूरा दिन रहेगी। भाई तरीका तो काफी अलग है, देखना हम्म।
ये कौन सा है भैया? नाइट ग्रीन है भाई। तो यार भैया के पास आओ यार, अगर आपको इत्रों का भी शौक है ना। और भैया किस नंबर का है आपकी शॉप का? 169 169। और ये पड़ेगी हवा सड़क, हवा महल सड़क पे ना, चांदी टिक्साल के पास। चलिए भाई, अगर भाई के आपको इत्रों का भी शौक है तो भाई के पास आना और बताना कि ट्रैवल विद वाइफ की तरफ से आए, और इनके इत्र लेके जाओ भाई। लॉन्ग लास्टिंग कह रहे हैं भैया, जब तक आप लोग लेके जाओगे कोई कमेंट करके बताना, उसके बाद मैं लेने आता हूँ, फिर देखते हैं भैया क्या। जैसे कि शाम होते रह रही है ना, और जयपुर की मार्केट का कलर आपको दिखता रहेगा। और गाइस अब मैं तलाश के अंदर हूँ यार लिंक रोड की अपना फलूदा आइसक्रीम। अभी मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ अपना जोरी बाजार से निकल के। और ये जो सुनहरी मार्केट हो चुकी है ना लाइटें जलने के बाद, तो यहाँ की वाइब भी अलग हो चुकी है यार। भाई मेरे हिसाब से ना वो आ चुका है फलूदा वाला इस तरफ, ये लिंक रोड पे। हाँ ये रहे भैया, भाई ये इंडियन कुल्फी फलूदा के नाम से है, अंकल का भी यहाँ पे आया हूँ जस्ट मैं। अंकल के पास चलिए, वैसे तो दो दुकानें हैं तो मेरे को तो अंकल समझ आए, तो बचाता बच गया, तो मेरे को अंकल अच्छे लगे तो मैंने कहा अंकल के पास से खाते हैं। तो अंकल ये बना रहे हैं फलूदा। अंकल आपके पास पता कब से आ रहा हूँ मैं? बचपन से आपके पास आ रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ आपके पास खाने। जब जयपुर आता हूँ मैं ज़रूर खाता हूँ भाई। अंकल की खा के देखते हैं। और ये रही इनकी दुकान, छोटी सी दुकान है बिल्कुल, इंडियन कुल्फी फलूदा आइसक्रीम के नाम से, 28 नंबर। और गाइस अंकल मुझे बता रहे हैं कि अंकल की जो शॉप है ना, अंकल कब से है? 1957 से भाई, 1957 से अंकल की दुकान, जैसे कि अंकल ने लिख रखा है। तो अंकल तब से फलूदा फेमस है जयपुर के अंदर, और जनरेशन चला रही है अभी। क्या बात है अंकल, तो ये अंकल की मेकिंग है देखो। पचास पैसे की, 1960 के करीब की बात करा रहे हो आप, 50 पैसे की। और आज कितने रुपए की अंकल? ये आज 110 रुपए के। टाइम के साथ फर्क तो पड़ना चाहिए ना, मतलब 50 पैसे से आप बेच रहे हो इसको, क्या बात है, क्या बात है। ये खाते हैं भाई अंकल के अंदर चल के, और इसका टेस्ट लेते हैं और वाइब लेते हैं इसके। तो भाई अंकल के वास्ते वो अपने ना अपना फलूदा तो खा लिया है, तो अंकल के वास्ते चलते हैं। थैंक यू अंकल, काफी अच्छा टेस्ट लगा। तो अगर अंकल के शोरूम पे आना है तो 28 नंबर। और अंकल मार्केट कौन सी पड़ती है? ये बापू बाजार लिंक रोड, बापू बाजार लिंक रोड। तो चलिए थैंक यू अंकल जी। तो बापू बाजार लिंक रोड के भाई फलूदा आइसक्रीम तो जरूर खाओ, मस्त है यार ये वाली। तो अब निकलते हैं अपना लिंक रोड से, बापू बाजार से आगे, जहाँ पे मैंने अपनी कार पार्क करी थी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो यहाँ पे लाइटिंग होती है ना अल्बर्ट हॉल की, वो देखते हैं। चलिए गाइज, अब जैसे कि मैं थोड़ा सा अब आपको बताना चाहता हूँ, अब नेक्स्ट डे है ये उस ब्लॉग का। और अब मैं किससे मिला हूँ वापसी? तो मैं पहले तो मिला हूँ मैं हरीश से, प्रशांत जो तो किन, और सतपाल भोला इन द हाउस जयपुर से। भाई भाई अभी हम लोग इतने इरिटेट हो गए, और सोच रहे हैं कि कहीं चले जाए, कोई अच्छा रूफ टॉप मिल जाए जहाँ पे जाके ड्रिंक कर ले, वाइब ले ले, बैठ के बात कर ले। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई जयपुर में, तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता जयपुर में, और 11 बजे सब बंद हो जाता है भाई यहाँ पे। चलते हैं, यहाँ पे किसी ने बताया ऊपर रूफ टॉप पे कुछ है, देखते हैं भाई कुछ मिल जाता है या नहीं मिल पाता हमें। और गाइस ऐसी है, गूगल पे हमने देखा था, तो सॉरी वो वाली बिल्डिंग नहीं, ये वाली बिल्डिंग थी। तो ये BYD का शोरूम है मालवीय नगर के अंदर, उसी के टॉप पे रूफ टॉप है 9th फ्लोर पे। वो ये क्या है हमारी एंट्री कहाँ? अच्छा सॉरी, पहले हमें एग्जिट करना पड़ेगा भाई, मैं सोच रहा था वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, बंदे वहाँ से कूद के आ गए और मैं अकेला यहाँ से आ रहा हूँ। ये भी ठीक, 3D देखते हैं भाई ये 3D कैसा है। ऊपर तो पहुँच चुके हैं। अच्छा वाइफ तो है यहाँ पे भाई, वाइफ तो है। अच्छा कहीं बैठ तो सकते हैं हम लोग, किस तरह बैठते हैं भाई? ये कहीं भी बैठ दो यार, बट यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है उसका। ओह दैट्स क्रेजी यार, यहीं बैठते हैं, इस तरफ काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ बैठते हैं गाइस, थोड़ी देर वाइब लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। क्या बताओ भाई क्या क्या तुम्हारे भाई आए हैं, इनसे ड्रिंक मांग रहा हूँ मैं तो, कि LIT मिल जाए भाई। क्या पीना? कुछ चटक कुछ भी बता दो, चटक कुछ भी बता। चलेगी काफी है LIT, यूनिवर्सल ड्रिंक है, यूनिवर्सल ड्रिंक है। बताओ भाई सतपाल तेरा क्या सीन है? मैं तो स्कॉच पी हूं भाई। एक तो हमारे बीच पंजाबी सरदार बंदे भी तो हैं, वैसे मैं भी हूं यार, मैं भी पी सकता हूं। तो देखते हैं भाई कुछ ऑर्डर करते हैं फिर दिखाते हैं। और ये वाइब है भाई, 3D है ये, कुछ कैफे रूफ टॉप बिल्कुल। ये कौन सा गेट है यार, इसको क्या कहते हैं? पत्रिका गेट के बिल्कुल सामने BYD के टॉप फ्लोर पे 3D कैफे। मेरे को पार्टी कौन देने वाला भाई? दो बंदे मेरे को जयपुर से मिले हैं, मेरे को पार्टी कौन दे रहा है भाई? मैं तो गेस्ट हूं ना यहां पे, मैं तो जयपुर घूमने आया हूं ना, तू जयपुर का, उसका तो होम टाउन ही जयपुर है, एक बंदा तो है जयपुर का भाई। तो अब ऑर्डर कर दिया हमने भाई को, हमने क्या क्या ऑर्डर करा भाई रिपीट करा दो, क्योंकि हम तो भूल गए। आपको एक LIT किया है, एक बडवाइजर लागर किया है, कैन जूस किया है, और एक मार्केट का पीजा। चलो
भाई अब यहाँ का ना ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी ट्रिप है यहाँ की। हाँ भाई हरीश। चलो गाइस अपनी LIT तो आ गई है, यहाँ की LIT पी के देखते हैं कि क्या क्रेजी फील आने वाला है इसके अंदर। है भाई जूस पी रहा प्रशांत तो। सतपाल बियर बॉय भाई तो काफी अच्छे लग रहे, 10-15 मिनट कह रहे थे और एकदम ही लिया पीता। सर्व कर दीजिए भाई बस, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा है यार ये 3D का ना, मेरे को लग रहा है यहाँ का स्टाफ काफी सही है और वाइब काफी सही है भाई यहाँ की। ये देखो डिम लाइट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बीच में हमारे हेड आ गए भाई, भाई क्रिस्पी कॉर्न्स मंगाए हैं, ये तो मेरे हर जगह के फेवरेट है। और ब्रो को मैंने पूछा था कि आप क्रेजी बना दोगे, इन्होंने कहा हाँ सर बहुत अच्छे ही मिलेंगे। तो अब ये खाते हैं, देखते हैं भाई कैसा टेस्ट है। मिस्टर हरीश, हरीश बताएगा क्योंकि थोड़ा टेस्ट इसने एक्सप्लोर कर रखा है ट्रैवल कर करके। तो भाई इतना क्रेजी है कि बिल आ गया हमारा, उसके बाद भी हमारा मन कर गया कि हम एक और ड्रिंक मंगवा लेते हैं। तो हमने एक मोहितो विद भाई वोडका मंगवा लिया क्योंकि वो फेवरेट है अपना। भाई कैसा लगा वैसे यहाँ की भाई, पता क्या अच्छी लगी मुझे हरीश, वो जो सामने व्यू है यार यहाँ का बहुत ही क्रेजी है यार ये गाइस, कितना क्रेजी लग रहा है देखो। चीयर्स बॉयज टू जयपुर। भाई चले फिर यहाँ से, अब चले घर चले, यहीं बैठे रहे भाई। यहाँ पे बंद कितने बजे हो जाते हैं ये जगह? 12:30 बजे क्लोज। हाँ एक तो जयपुर में भी तो सीन हो रखा है 12:30 भाई, ये टाइमिंग का बड़ा लोड हो रखा है जयपुर में, 12:30 बजे 1 बजे तक हर सब चीजें बंद हो जाती है। क्या नाम है ब्रो आपका? सर राजेंद्र। राजेंद्र जी, राजेंद्र भाई आपको मिलेंगे 3D कैफे के अंदर, अपना रूफटॉप है यहाँ पे BYD के स्टोर के ऊपर मालवी नगर, तो यहाँ पे भी आओ। तो चलते हैं गाइस यार, मस्ती आई यहाँ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू, काफी अच्छा लगा आपके साथ भाई 3D कैफे से। अब चलते हैं अपना वाइब लेते हैं, अब कहीं और चलते हैं, बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं कहीं ना कहीं। म्यूजिक आ रहा है तो कॉपीराइट ना आ जाए, तो चलते हैं ऐसे ही। यहाँ की नीचे की वाइब है तो काफी सही है यार, और इससे ही मिलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से वाइब लेते हुए अपना जयपुर से। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार कोई भाई, लिफ्ट आप हमारे। चलो 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 लेट्स गो गाइस। भाई अंकित भाई के बहुत पुराने मित्र मुझे मिले हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए यार, ये मस्ती लेते हुए जयपुर के गाइस के साथ अपना चलते हैं। और घूमने मैं सोच रहा हूँ कि इन सब के साथ एक प्लान बना रहा हूँ कि कहीं घूमने चलते हैं जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। बट गाइस का देखो सीन कब बनता है यार, ये फ्री भी तो है ये भाई, वर्क फ्रॉम होम, ये अपना जयपुर में प्यूमा में है भाई, इसको भी याद करो, प्यूमा से कुछ लेना हो डिस्काउंट दिलवा दियो यार। सपना ये देखो ये हमारे अंकित जी, शांत क्या हो गए अंकित बाबा? शांत। चलो भाई चलते हैं यार, यहाँ से निकलते हैं फिर अपना, कल मिलते हैं या आप कहीं और ब्लॉग के अंदर जरूर मिलेंगे किसी ना किसी नई वीडियो में। चलो भाई हरीश को बाय बाय करते हैं, हरीश अपना निकल रहा है भाई, मिलते हैं अब आराम से अपना, टेक केयर, आराम से जाना है। चले भैया सतपाल जी, तो भाई मिलते हैं यार, चलते हैं अपने। ये तो मेरे साथ ही चल रहा है, ये तो साथ ही चल रहा है, तो चलते हैं यार अब मिलते हैं अगली जगह कहीं ना कहीं, बुध बहुत ही क्रेजी करते हैं जयपुर के अंदर। ये है मालवीय नगर 6 सेक्टर, ये भाई बताएगा। और यहाँ से आगे जाओगे तो लावण्या रहती है, यहाँ से आ जाओगे तो सृष्टि रहती है। सृष्टि का मकान नंबर है 6/28, कोने में एक कुत्ता मिलेगा काला कलर का छोटा सा, उसको हटा देना